हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भाजपा ने राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर बोला हमला। भाजपा ने निकाली जन आक्रोश रैली, वक्ताओं ने कांग्रेस को जमकर कोसा। आक्रोश रैली में पुरुषों के साथ महिलाएं भी जुटी। नारेबाजी के साथ सौंपा मांग पत्र। राम झरोका मैदान पर महंगाई के खिलाफ भाजपा के जिला स्तरीय जन आक्रोश आंदोलन में जिले भर से पहुंचे लोग। प्रदेश सरकार ने जनता के साथ किया छलावा। चतुर्वेदी। प्रदेश कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जिला सिरोही ने प्रदेश व्यापी आह्वान पर सोमवार को शहर में जन आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन कर भाजपा नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। जन आक्रोश रैली में मुख्य वक्ता भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री समाज कल्याण विभाग राजस्थान सरकार अरुण चतुर्वेदी ने सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सरकार को प्रदेश के विकास को नजरअंदाज कर केवल अपने झगड़ों को निपटाने एवं जिन वादों को कर सत्ता में काबिज हुए उनको भुला देने के आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार, रिश्तेखोरी, कमीशन खोरी, तानाशाही साम्राज्य स्थापित किया है। 3 सालों में राजस्थान सरकार की कुनीतियों के कारण महिला अपराध में प्रथम स्थान पर आ चुका है। SC ST पर अत्याचारों में 3रे नंबर पर आ चुका है। कानून व्यवस्था राजस्थान में पूरी तरह चौपट हो चुकी है। संविदा कर्मी कई महीनों से आंदोलनरत है। राजस्थान सरकार सुन नहीं रही। भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करके सरकार खुश हो रही है, जिससे जनता में भयंकर आक्रोश है। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद प्रदेश की जनता से किए वादों को नजरअंदाज किया है। प्रदेश की सरकार कर्ज माफी को भूल गई, जिसका जवाब प्रदेश की जनता आने वाले 2023 के चुनावों में दे देगी। चतुर्वेदी ने कहा कि संपूर्ण भारत में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है। आज राजस्थान में आपराधिक गतिविधियों के साथ ही दलितों पर अत्याचार, सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार प्रदेश अग्रणी भूमिका में है। और कहा कि राज्य सरकार सत्ता में आने के बाद प्रदेश का विकास रुक गया है। पिछली भाजपा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो टोल शुरू करके प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने पर बड़े बड़े पोस्टर, कार्यक्रम व आयोजनों के माध्यमों से बेमिसाल बता रहे हैं और विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इन 3 सालों में विकास नहीं, प्रदेश का विनाश हुआ है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो भोली भाली जनता से गत चुनावों में जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? पेट्रोल व बिजली राजस्थान में ही महंगी क्यों है? चुनाव के समय बिजली नहीं बढ़ाने व किसानों के कर्ज माफी का क्या हुआ? कहाँ है युवाओं को नौकरी? कितने युवा बेरोजगार के खाते में 3,000 का भत्ता डाला है? कितनी महिलाओं को इंसाफ मिला है? ऐसे कई सवाल हैं जो आज जनता पूछ रही है। तो उधर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने निर्दलीय विधायक लोढ़ा पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्री बनने की चाह में 2 से 3 बार सूट भी सिला लिए थे, जिसके पैसे भी अभी दर्जी के बाकी है। चतुर्वेदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा। बोले, राहुल जी फिर जयपुर आ गए, छा गए और नया इतिहास बना गए। माँ व मातृका पर प्रश्न खड़ा कर चले गए। उन्होंने कहा, जिसमें मातृका नहीं वो माँ नहीं हो सकती। ऐसे ही जिसमें हिंदुत्व नहीं वो हिंदू नहीं हो सकता। जिसमें इंसानियत नहीं वो इंसान कैसे हो सकता है? भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित ने राज्य में बड़ी महंगाई और विधानसभा 2018 के चुनाव घोषणा पत्र के वादों को पूरा नहीं करने पर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि देश में 2014 को 19,000 गांव में बिजली नहीं थी। मोदी सरकार बनते ही 960 दिनों में बिजली पहुंचा दी। मोदी सरकार ने 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दे दिए। दूसरी तरफ कांग्रेस है, 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया, 3 साल में पूरा नहीं हुआ। महंगी बिजली से बिल में करंट आ रहा है। कांग्रेस ने 3 साल झगड़े में निकाल दिए, 2 साल घसीट कर निकाल लेंगे। पुरोहित ने कहा, कांग्रेस काल में केंद्र सरकार ने राज्य में जो मशीनें भेजी उनका राज्य सरकार ने उपयोगी नहीं किया और जंग लग गया।
भाजपा जिला मीडिया प्रभारी चिराग रावल ने बताया कि इस अवसर पर जन आक्रोश रैली में पूर्व राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, विधायक समाराम गरासिया, जगसीराम कोली, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, पूर्व जिला प्रमुख पायल परसराम पुरिया, प्रधान हसमुख कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश दवे, लुम्बाराम चौधरी, जिला महामंत्री योगेंद्र गोयल, जिला उपाध्यक्ष दिलीप सिंह मांडनी, नारायण देवासी, मोर्चा जिला अध्यक्ष गणपत सिंह राठौड़, भंवरलाल मेघवाल, अंशु वशिष्ठ, हेमंत पुरोहित, सुरेश सगरवंशी, सभी ने एक के बाद एक प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर हुंकार भरते हुए बढ़ती महंगाई, बिजली दर, पेट्रोल, महिला अत्याचार, बेरोजगारी से लेकर विभिन्न मुद्दे पर घेरते हुए अपना आक्रोश दिखाया। इस अवसर पर प्रधान नितिन बंसल, राधिका देवासी, ललिता कुंवर, जिला महामंत्री जय सिंह रावल, रेवदर प्रभारी कालूराम चौधरी, पिंडवाड़ा प्रभारी किरण राज पुरोहित, सभी जनप्रतिनिधि, मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल माली, जिला पदाधिकारी पिंडवाड़ा प्रभारी किरण राज पुरोहित, सभी जनप्रतिनिधि, मोर्चा जिला अध्यक्ष गोपाल माली, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष सहित हजारों कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित थे। धरना कार्यक्रम के बाद में सभी कार्यकर्ता समझ रोखा मैदान से रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिले भर के अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन के दौरान जिला मुख्यालय पहुंचे। अनेक जनप्रतिनिधियों और युवा नेताओं ने भी दमखम दिखाया। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पार्टी कई दिनों से इस कार्य के लिए जुटी हुई थी। जागरूक टीवी की सिरोही से खास रिपोर्ट।